में देर रात नए साल के जश्न में हो रही जबरदस्त आतिशबाजी से मच्छरदानी और कंबलों के गोदाम में भयंकर आग लग गई। आग की सूचना पर दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग इतनी भयंकर थी कि आग बुझाने में दमकल कर्मियों को कई घंटों की कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। दरअसल मामला मुजफ्फरनगर के नगर कोतवाली क्षेत्र के पंचमुखी मोहल्ले का है, जहाँ देर रात मोहल्ले के कुछ लोग नए साल के जश्न में आतिशबाजी कर रहे थे। आतिशबाजी से पंचमुखी मोहल्ले के ही नितिन बंसल के मच्छरदानी और कंबलों के गोदाम में भयंकर आग लग गई। देखते देखते आग ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया कि आग पूरी 3 मंजिला इमारत में फैल गई। गोदाम मच्छरदानी और कंबलों से भरा हुआ था। सूचना पर दमकल विभाग की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने जान जोखिम में डालकर कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक पूरा गोदाम स्वाहा हो चुका था। गोदाम में एक कार, एक बुलेट मोटरसाइकिल और 2 स्कूटी भी खड़ी थी। सभी वाहन विकराल आग में जलकर खाक हो गए। ये क्या है, पूरा मामला बताइए। ये आग की सूचना 12:37 को फायर स्टेशन को प्राप्त हुई। तत्काल फायर स्टेशन से 2 गाड़ियां घटनास्थल के लिए प्रस्थान कराई गई। तत्पश्चात बड़ी आग थी, खतौली यूनिट और एक यूनिट हमारी गई थी शिकारपुर बुढ़ाना आग बुझाने, उनको भी सूचना दी गई। 4 गाड़ियां फायर स्टेशन से लगाई गई। आग चूँकि बड़ी थी, गली के अंदर थी, 2 पेपर मिलों से, बिंदल से और मिलों से एक एक फायर टैंकर लगाया गया। मोटर फायर इंजन की मदद से आग को पूर्ण से बुझा दिया गया, क्योंकि इसमें कंबल और मच्छरदानी का गोदाम था, ग्राउंड से लेकर 3rd मंजिल था और आधे पार्ट के नीचे से लेकर ऊपर तक रिहायशी भवन था। सर्वप्रथम इसमें 6 लोग निवास कर रहे थे, उनको हमारी यूनिट द्वारा बाहर निकाला गया सुरक्षित स्थल पर और आग पर 2 तरफ से अटैक करके दूसरे के छत पर चढ़ करके ऊपरी मंजिल पर और नीचे वाली मंजिल पर आग को कंट्रोल किया गया। लगभग 2 घंटे आग बुझाने में लग गया, क्योंकि रात का समय था और थोड़ी दिक्कत हो रही थी, बिजली भी कट गई थी, उसके चलते परेशानी हुई, पानी की भी उपलब्धता नहीं हो पा रही थी। लेकिन हम लोगों ने नगर पालिका के माध्यम से पानी उपलब्ध कराते हुए अवैध रूप से पानी का प्रयोग करते हुए आग को पूर्ण से बुझा दिया। क्या कारण है सर आग? आग चूंकि ये 9 वर्ष के उपलक्ष्य में 12 बजे के बाद से भयंकर जिनके यहाँ आग लगी थी, अंकित बंसल और नितिन बंसल के द्वारा बताया गया कि इस गली में चटाई, आतिशबाजी और बहुत भव्य आतिशबाजी छोड़ी गई थी। उसी के दौरान कहीं से चिंगारी इनके नीचे मोटरसाइकिल 4-5 थी और 4-व्हीलर गाड़ी लगी हुई थी, कहीं से उसी में चिंगारी गई है और लगभग 12:37 पर सूचना मिली है। तो हो सकता है कि 12:30 की घटना हो, क्योंकि अब तो सोने का भी समय हो गया था, लेकिन इन लोगों का आभास हुआ, तत्काल सूचना दी और बाहर निकाला गया, आपको पूर्ण से बुझा दिया गया है। अब क्षति का आकलन तो इनके द्वारा बताया जाएगा और लेकिन काफी भारी पैमाने पर नुकसान हुआ। कुछ वाहन भी जले हैं सर? वाहन जले हैं, 4-व्हीलर एक I-10 गाड़ी है, एक बुलेट मोटरसाइकिल अभी नई है, 2 इंडिका है और एक स्कूटर जो पूर्ण रूप से जल गई है, चूंकि वो ग्राउंड फ्लोर पर थी और चूंकि सीढ़ी पर ही माल रखा हुआ था, पूरा ऊपर से नीचे तक कंबल और प्लास्टिक की मच्छरदानियाँ भरी हुई थी, इसलिए चूंकि ये ज़्यादा ज्वलनशील होती है इसलिए अति से ग्राहक पकड़ ली, नीचे से ऊपर तक इकट्ठे आए पकड़ लिया।